नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी कुशल मंगल होगा सारे सक के सारे लोगों का, और आप सभी लोग एकदम एस्थेटिक्स के अंतर्गत परिसर एक टॉपिक होता है। मैं आपको बता दूं कि एस्थेटिक्स के अंतर्गत जो है परिसर, जिसको हम रेंज बोलते हैं, है ना, ये टॉपिक होता है। और इसके अंतर्गत जितने भी कह सकते हैं हाई लेवल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आज आपको कंसेप्ट के साथ देने वाला हूं, ठीक है। तो एक बार यहां पर बात को समझिए। मैं आज के सेशन में एस्थेटिक्स, जिसको सांख्यिकी बोलते हैं और रेलवे के एग्जाम में जो है जम करके पूछा है, तो जितने भी रेंज परिसर से हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बड़ा बड़ा लैंग्वेज दे करके, वो सारा का सारा प्रश्न मैंने इकट्ठा किया है और आपके सामने वो चीज आज हम परोसने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार बाबू सारे के सारे विद्यार्थी जो है अपने जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप पे आप जुड़े हुए हैं, जल्दी से आप शेयर कर दीजिए लिंक को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और रेलवे वाले विद्यार्थियों को बहुत फायदा मिल सके। तो आज का ये सेशन जो है वो आपका कर सकते हैं कंप्लीटली रेलवे के लिए होने वाला है, ठीक है, कंप्लीटली जो है रेलवे के लिए होने वाला है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश गुप्ता जी, सतीश कुमार जी, दीपक कुमार, रितेश राही, राजेश्वर यादव जी, ये गौतम कुमार, राजेश्वर यादव, कल्याणी यादव, राज आंसु, सुधांशु जी, ये सारे के सारे विद्यार्थी आकाश आर्या मोतिहारी से जुड़ चुके हैं। सभी को भाई गुड इवनिंग, आपका शुभ संध्या। और सारे के सारे लोग यहां पर एक चीज और आप देख पा रहे होंगे, बहुत लोग जो है परचेज भी कर रहे हैं मैथ टेस्ट विथ डिस्कशन का। मैं पेड क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, पेड मैथ टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं 31 अगस्त, मतलब यही जो सोमवार आने वाला है, यही सोमवार से शाम के कितने बजे, 7 बजे आपका। और ये जो मैथ टेस्ट विथ डिस्कशन का पहला पैकेज को आप परचेज कर सकते हैं कितने रुपए में, 100 रुपए में, टोटल मिलाकर के 100 रुपए। जब आप एप्लीकेशन पर जाएंगे, क्योंकि ये बैच जो है आपका अंकुश मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पर चले, एप्लीकेशंस पर जब जाएंगे तो पैकेज का चार्जेज 85 दिख रहा है, और इसमें आपका कुछ टैक्स इंक्लूड करके टोटल आपका 100 रुपए बन जाएंगे। यानी इसका मतलब आपको समझना है कि एक पैकेज की फी कितना लग रहा है, 100 रुपए। तो सारे के सारे बंदे जो है धड़ाधड़, जिनको जरूरत है आप पैकेज को परचेज कर लेंगे, ताकि 31 अगस्त के शाम 7 बजे से बिना कोई टेंशन का आप अपने मैथ टेस्ट विथ डिस्कशन का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो लेट करिएगा तो उस टाइम फिर धरफड़ी हो जाएगा, और फिर उस टाइम कह सकते हैं आपको ज्वाइन करने में हो सकता है लेट हो जाए आपका, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे जिनको जरूरत है, और आपके सर्किल में जितने लोगों को जरूरत होगा उन्हें भी इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। बाकी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी जो है एडमिशन ले भी रहे हैं, ले भी चुके हैं। चलिए, सुधांशु जी बोल रहे हैं कुछ गूगल पे से परचेज नहीं होगा। देखो यार, इसके लिए मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं पेमेंट से रिलेटेड। 8852-13-97-18 मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, आप उस पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं ज्यादा डिटेल में, ठीक है। तो चलिए, बिना लेट किए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हम एस्थेटिक्स के बारे में। एस्थेटिक्स के अंतर्गत एक टॉपिक रेंज आता है, और रेंज की ऐसी की तैसी कर देना है, ठीक है। चलिए देखिए भाई, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, देखिएगा सब लोग, चलिए यहां पर देखिए, सारे के सारे बंदे यहां पर ध्यान देंगे। सबसे पहले तो यहां पर रेंज को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, परास कहते हैं। क्या कहते हैं? परास, या फिर इसका एक और हिंदी नाम होता है जिसको हम बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? रेंज, रेंज, ठीक है, रेंज। अब देखो यार, रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? परास भी बोल सकते हैं, परिसर भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं
प्रश्न में आपको परास भी लिखा हुआ मिलेगा और परिसर भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए परास और परिसर क्या होता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि दी गई आंकड़ा, जैसे मान लेते हैं दी गई आंकड़ा या आंकड़ों, दी गई आंकड़ों में, दी गई आंकड़ों में अधिकतम, दी गई आंकड़ों में अधिकतम तथा तथा न्यूनतम, अधिकतम तथा न्यूनतम आंकड़ों का अंतर, अधिकतम तथा न्यूनतम आंकड़ों का अंतर, अंतर क्या होता है भाई, रेंज होता है। रेंज क्या होता है, तो दी गई आंकड़ों में मान लेते हैं बहुत सारा डाटा जो है दे रखा है, 10, 20, 50, 17, 19, -2 है ना, आंकड़े नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, और दी गई आंकड़ों में कोई आंकड़ा सबसे बड़ा होगा अधिकतम और कोई आंकड़ा क्या होगा सबसे छोटा होगा न्यूनतम, और वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी का नाम क्या होता है, परिसर। तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम डाटा और माइनस क्या होगा आपका मिनिमम डाटा। क्लियर है बात, रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम डाटा माइनस मिनिमम डाटा। सबसे बड़े डाटा में से सबसे छोटे को आप अगर घटा देते हो तो वही क्या कहलाएगा, रेंज अर्थात परास। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर ध्यान दीजिए भाई, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कुछ डाटा दे रखा है, 2 दे रखा है आपका, 17 दे दिया आपका, -4 दे दिया आपका, 9 दे दिया, 63 दे दिया है ना, और आपसे पूछ देगा कि ये जो डाटा दे रखा है ना इसका रेंज बताओ, क्या बताओ, इसका रेंज बताओ, मतलब परास या परिसर बताओ। तो रेंज का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया है सर, रेंज का मतलब मैंने सिखाया है बाबू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम डाटा में से मिनिमम डाटा को घटा देंगे वही आपका कहलाएगा रेंज। अब आप बता दो कि इसमें सबसे बड़ा डाटा कौन है, आप बताओ इसमें जो दिख रहा है ये 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 ये, इसमें सबसे बड़ा डाटा कौन है, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा डाटा जो है 63 है, मैक्सिमम डाटा 63 है। अब कहोगे सर मिनिमम डाटा कितना है, तो आप देख के बताओ यार मिनिमम 2 है कि -4 है, ये मिनिमम है, नेगेटिव साइन के साथ जो संख्या होता है वो पॉजिटिव साइन वाले से छोटा होता है, मतलब इसमें सिर्फ यही मिनिमम है, मतलब सबसे छोटा क्या होगा -4 आपका होगा, सबसे छोटा क्या होगा -4, तो मिनिमम वाला कितना होगा -4। अब देखो यार यहां पर 63 -4 तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, जाकर के प्लस हो जाएगा, और 63 और 4 कितना 67, और 67 इज द राइट आंसर, 67 इज द राइट आंसर। देख लीजिए यहां पर ये माइनस और मिनिमम -4 है, तो ये माइनस और माइनस गुणा होकर के बीच का साइन प्लस हो जाएगा, और 63 और 4 जुट करके आपका क्या हो जाएगा 67 आपका हो जाएगा। क्लियर है बात, एनी डाउट किसी को, नहीं ना। चलिए एक और बातें यहां पर बताइए आप सारे के सारे लोग, एक और बातें यहां पर बताइए, जैसे यहां पर कोई कहेगा नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं हम हिंदी में प्राकृत संख्या, क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब देखो यार नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। गिनती की संख्या जो होती है ना वही कहलाती है प्राकृत संख्या, गिनती की जो संख्या होती है वही कहलाती है प्राकृत संख्या। जैसे काउंटिंग कहां शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 0 से काउंटिंग नहीं शुरू होता, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारा का सारा क्या होता है आपका नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अब जैसे कहिएगा सर आप ये क्यों बता रहे हो, तो मैंने देखा है जो प्रश्न पूछा है प्रीवियस में रेंज से उसमें इसका प्रयोग होता है। जैसे मान लेते हैं कहीं अगर 4 आपको प्राकृत संख्या मानना रहेगा, 4 आपको प्राकृत संख्या मानना रहेगा, अगर बोलेगा कि प्राकृत संख्या लगातार है
तो वैसी स्थिति में एक एक बढ़ा के मान लेंगे x, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री एंड सो ऑन, ऐसे चार है तो सिर्फ एक दो तीन चार इतना ही मानेंगे। अगर लगातार कहेगा तब देखिए यहां पर एक इससे एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा लगातार रहेगा तो एक एक बढ़ा के मानेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कहीं रहेगा चार विभिन्न, चार कहेगा विभिन्न प्राकृत संख्या, ऐसे कहेगा चार विभिन्न प्राकृत संख्या, तो वैसी स्थिति में आपको पता है, वैसी स्थिति में आपको x, अब कोई जरूरी थोड़े है लगातार रहेगा तब ना अगला x प्लस वन होगा, विभिन्न है, डिफरेंट है, कहीं का भी हो सकता है, तो आप आगे x प्लस वन नहीं लिख सकते हैं। x प्लस वन लिखने का मतलब क्या है कि जस्ट अगला लिख रहे हैं, और यहां पे क्या बोल रहा है, चार विभिन्न कहीं का हो सकता है, तो वैसी स्थिति में आप x y z इस तरीके से आप कुछ कुछ अलग अलग मान सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सारे विद्यार्थियों को ये बातें बहुत आसानी से रास आ गया होगा कि रेंज होता क्या है। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम डाटा माइनस मिनिमम डाटा। ये मेरा क्वेश्चन था, मैक्सिमम डाटा 63 है, मिनिमम डाटा माइनस चार है, 63 में से माइनस चार मैंने माइनस कर दिया तो माइनस माइनस प्लस, और 63 प्लस चार 67 इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस यहां पर लेते हैं और धीरे धीरे प्रश्न को एकदम जीरो लेवल से आपको हम हाई लेवल तक लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए यहां पर हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, और जल्दी से देख करके आप सारे विद्यार्थी आंसर बता देंगे। राजेश्वर यादव जी बोल रहे ऑफलाइन में भी तो यही फीस रहा था सर। हाँ भाई, ऑफलाइन में भी जो फी था वही फी आपका ऑनलाइन में भी है। ठीक है, कोई ज्यादा फी नहीं है। 100 रुपये का यार जब मूड बना देते हो तो वो 100 रुपये बस तुरंत खत्म हो जाता है। मूड बनाने का मतलब कुछ नाश्ता करने का मन मिजाज बन जाए, फिर कुछ और बातें है ना। चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर है, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे। वैसे मैं टेस्ट पर एक वीडियो मैं YouTube पर अपलोड कर दिया हूं कल ही, आप उसको देख लीजिएगा, सारा कह सकते हैं इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए YouTube पर आपको मिल जाएगा, एक वीडियो मैंने डाल रखा है। जस्मीन अहमद, मेरा भी नाम लीजिए सर। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, रेंज आपसे इसी का पूछ रहा है। तो रेंज का मतलब मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं, वन मिनट, रेंज को मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम डाटा माइनस मिनिमम डाटा। तो आप पकड़ो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है बाबू 7। अरे है कि नहीं, सबसे बड़ा है 7, मैक्सिमम कितना है 7, और मिनिमम पकड़ो कितना है, तो मिनिमम यहां पर कितना है 1 है। मिनिमम कितना है 1, मिनिमम कितना है 1, तो आंसर कितना होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डेट इज 6 इज द राइट आंसर। रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर सारे के सारे विद्यार्थी देंगे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। रोशन लखीसराय क्या बोल रहे हैं सर, क्लास में तो फोटोकॉपी मिलता था टेस्ट का। देखो यार, ये बनिया वाला दिमाग मत लगाओ, है ना, ज्वाइन करना है करो, अदरवाइज रास्ते बहुत हैं आपके पास। अजीब बेवकूफ हो यार, ये तो ऑफलाइन क्लास में ऐसे डांटा करते थे। देखो यार, पब्लिकली मत डटवाओ, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं यहां पे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। कहते हैं आंकड़ों का रेंज कितना है, क्या रेंज, रेंज, रेंज। अब रेंज निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, सेम चीजें है। कुछ लोग को लग रहा है सर ये तो बड़ा चॉकलेटी टाइप का क्वेश्चन है, आ रहा है, वेट करिए, आ रहा है 3 नंबर से।
है ना, क्योंकि देखिए रेंज का मतलब बेसिक बातें यही होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इस पे मैं दो क्वेश्चंस रखा था, चलिए तो आप जल्दी से बता दीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कितना है, 9 है। अब ऐसा नहीं कि तीन जगहों पर 9 है तो कुछ और माथा लगाने लगे, अरे सब कितनों जगह पर है, कितना भी बार रिपीट करे आप बताओ सबसे बड़ा कौन है तो 9 ही होगा। ऐसा थोड़े है कि चार बार अगर 9 लिखा गया, चार डाटा 9 है तो मैक्सिमम कुछ और हो जाएगा। मैक्सिमम यहां पर 9 और मिनिमम बताओ भाई, सबसे मिनिमम सबसे छोटा कितना है, तो मैं देख पा रहा हूं 4 है कि नहीं। अब माइनस कर देंगे, रेंज का मतलब ही होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी आपके क्वेश्चंस का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है बात, एनी डाउट किसी को नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, और ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मजा तो अब आएगा, ठीक है, मजा तो अब आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इंद्रजीत यादव जी बोल रहे सर मेरा नाम लीजिए, एकदम भाई। चंद्रदेव महतो जी क्या बोल रहे, डायरेक्ट टू होम मैथ टेस्ट सीरीज लाइव, 100 रुपए फी बहुत कम है, रूम रेंट का 2000 रुपए का 5%। अच्छा अच्छा हाँ, अब देखो यार अभी एक बंदा क्या बोल रहा था कि सर वहां टेस्ट का फोटोकॉपी भी तो देते थे और यहां पर आप नहीं दे रहे हैं, तो 100 रुपया से कुछ कम कर दीजिए। तो वो बंदा को मैं बोल रहा हूं मैं यहां ये फ्री भी तो पढ़ा रहा हूं, इसका कहां जाएगा फिर है कि नहीं बात। तब तो यह सब यार ये सब बनिया वाला दिमाग मत लगाओ, उल्टा सीधा है ना, हाँ पढ़ाई करना है यहां पर। रवि शंकर जी बोल रहे सर ऑनलाइन में कितना फी है, ये क्लासेज के मैं शुरुआत में बता रखा हूं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सारे विद्यार्थी के सामने है, और यहां पर इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही कह सकते हैं बेहतरीन यहां पर है। सुधांशु जी बोले सर अपने विलेज में बहुत लड़का को टेस्ट में एडमिशन कराए हैं, अच्छी बात है यार चल रहा है। आइए यहां पर मैं देखता हूं, यहां पर 4 लिखा हुआ है, 4 चार संख्याओं का माध्य कितना है, 22 है। अब देखो यार थोड़ा हम माध्य की अगर हम चर्चा करते हैं तो आप जरा सीखिएगा सब लोग, माध्य क्या होता है, मैं एक मिनट इस पे आता हूं, माध्य क्या होता है सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर सीखिएगा। माध्य को हम लोग मीन कहते हैं, और मीन क्या होता है एक बार सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे, मीन क्या होता है बाबू एक बार सारे के सारे लोग यहां पर ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले तो यहां पर मीन, और मीन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, ठीक है। और माध्य को रिप्रेजेंट किया जाता है, माध्य को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं एक्स बार, क्या पढ़ते हैं एक्स बार। अब देखो यार माध्य कहीं भी लिखना हो वहां पर आप एक्स बार लिख सकते हैं, कहीं अगर आप एक्स बार लिखिएगा तो आदमी माध्य ही समझेगा। अब एक्स बार मतलब माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर यही होता है सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा, और नीचे में डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डाटा से, नंबर ऑफ डाटा से हम भाग कर देते हैं। मतलब क्या हो गया आपका, आंकड़ों का योगफल, सम का मतलब योगफल, में क्या करना है आंकड़ों की संख्या से भाग कर देना है। माध्य क्या होगा, तो आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। अब एक बात और बताओ यार, एक बात यहां पर और बताइए आप, एक बात और बताइए, देखिए ये नंबर ऑफ डाटा को ले जाकर के यहां अगर हम माध्य में गुणा कर देते हैं, एक्स बार मतलब माध्य है, में गुणा कर देंगे हम नंबर ऑफ डाटा से, नंबर ऑफ डाटा से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका सम ऑफ डाटा। क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा सम ऑफ डाटा, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या सीखा, आपने यहां पे क्या सीखा कि सम ऑफ डाटा इक्वल टू माध्य, माध्य और इनटू नंबर ऑफ डाटा।
मतलब ये याद रखना, अगर आंकड़ों का योगफल निकालना हो, सम निकालना हो, अगर आपको आंकड़ों का योगफल निकालना हो सम, तो वैसी स्थिति में माध्य और आंकड़ों की संख्या से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक यही बातें जो है वो आपको यहां पर दिख रहा था, ठीक यही बातें जो है आपको इस प्रश्न में दिख रहा है। सुनिएगा सब लोग, चार संख्या है। अब देखो यार, मैंने यहां पर चार संख्या ले लिया, एक संख्या ले लिया x, दूसरा संख्या ले लिया w, शुरू करते हैं, चार है ना, एक संख्या ले लिया w, दूसरा x, तीसरा y और चौथी ले लिया z। चार संख्या है, कोई भी संख्या है, डिफरेंट संख्या है, तो W, X, Y, Z मैंने चार संख्या ले लिया और इसका माध्य जो है वो कितना है, 22। अब आप बताओ यार, चार संख्याओं का माध्य जो है वो 22 है। फिर कहता है उनमें से सबसे छोटी तीन संख्याओं, अब देखो यहां पर ये जो मैंने संख्या लिया है ना, ये जो मैंने संख्या यहां पर लिया है वो लिया है मैंने आरोही क्रम में लिया है। आरोही समझते हैं, अंग्रेजी में जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मैंने ये संख्या को लिया है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में मैंने लिया है, मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, छोटा से बड़ा की ओर जब संख्या लिखते हैं तो उस क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। अब देखो यार, कहता है कि उनमें सबसे छोटी तीन संख्याओं का माध्य कितना है, 19 है। तीन संख्याओं का माध्य कितना है आपका, 19 है, तो बोलता है सबसे बड़ी तीन संख्याओं का कह सकते हैं माध्य कितना होगा। यदि आंकड़ों का रेंज कितना है, 15 है। सुनिएगा, यदि आंकड़ों का रेंज कितना है, 15, तो एक बात बताना यार, यहां पर माथा लगाइए, आंकड़ों का रेंज 15 है, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, मैंने सिखाया है ना, रेंज का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या से 15 ज्यादा है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या से 15 ज्यादा है। इसका मतलब भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ये W है तो यहां पर हो जाएगा W प्लस 15। अरे होगा कि नहीं, सोचिए 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 सोचिए, आंकड़ों का रेंज 15 है, आंकड़ों का रेंज 15 है, इसका मतलब छोटी संख्या अगर W होगा तो सबसे बड़ी संख्या W प्लस 15, बड़ी संख्या छोटी से 15 ज्यादा होगा। आप चाहे तो इसमें से इसको घटा के देख सकते हैं, 15 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कहता है इसके बाद, कि चार संख्याओं का माध्य कितना है आपका, 22 है, उनमें सबसे छोटी तीन संख्याओं का माध्य, मतलब यहां से यहां तक माध्य कितना है आपका, 19 है। तो आपसे बोलता है सबसे बड़ी तीन संख्याओं का योगफल कितना होगा, यही ना आपसे पूछता है। चलिए यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग यहां पर ध्यान दीजिए, सब लोग, सारे के सारे लोग यहां पर ध्यान देंगे। क्या बोल रहा है कि उसमें से छोटी तीन संख्याओं का माध्य 19 है। तो एक बात बताओ यार, छोटा वाला कौन कौन है, W प्लस X और प्लस Y, छोटा वाला तीन संख्या कौन कौन है, W, X, Y, और तीनों का माध्य 19 है, तो योगफल कितना होगा, जल्दी बोलिए, तीन से गुणा कर दिए 57, तीन संख्या का माध्य 19, तीन से गुणा किए तो हो गया 57। अब बताओ यार, W प्लस X प्लस Y कितना हो गया, 57। हमसे पूछता क्या है, हमसे ही पूछता है कि सबसे बड़ी तीन संख्याओं का माध्य बताइए, सबसे बड़ी तीन संख्या का माध्य, तो सबसे बड़ा तीन वो संख्या ही ना हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा, सबसे बड़ा तीन संख्या, इसी का माध्य निकालना है, तो क्या करेंगे, इसे 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 जोड़ के और तीन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखो यार, हमको माध्य निकालना है तो तीनों को जोड़ेंगे, जोड़िए एक्स प्लस वाई और प्लस में क्या, डब्लू प्लस 15 और तीन से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तीन से भाग कर देंगे। अब सुनिए, अभी यहां पर देखिए W X और Y का योगफल कितना है, 57, तो यहां पर W X Y को कितना बैठा देंगे, 57, और 57 और 15 कितना हो जाएगा, 72 हो रहा है जी, 57 15 कितना, 72, और 72 में जब 3 से भाग देंगे तो 24 इज द राइट आंसर, 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, सारे के सारे लोग सुनेंगे, हो सकता है किसी को डाउट रह गया हो, सोच क्या है जरा सुनिएगा। सबसे पहली बात तो बोल रहा है कि चार गो संख्या है तो मैंने मान रखा था W, X, Y और Z। लेकिन प्रश्न कहता है कि आंकड़ों का रेंज 15 है, इसका मतलब छोटी संख्या अगर W होगा तो सबसे बड़ी संख्या 15 ज्यादा होगा इसे, क्योंकि रेंज का मतलब क्या होता है, ये दोनों का अंतर। ठीक है, अब कहता है कि सबसे छोटी तीन संख्याओं का माध 19 है, तो 19 है तीन संख्याओं का माध है तो योगफल कितना होगा, 19 × 57 किसका योगफल, तो सबसे छोटा तीन गो का W, X, Y का योगफल इतना आ गया 57। अब हमसे पूछ क्या रहा, हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी तीन संख्याओं का माध बताओ, तो क्या करेंगे, X को, Y को और W प्लस 15 को जोड़ देंगे और तीन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और देखिए इसी का मान जो है हम अभी 57 निकाल चुके हैं, तो 57 + 15 72 में तीन से भागे 24 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर, राहुल भारती जी बोल रहे, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एकदम परफेक्ट बात है यार, लेकिन थोड़ा मैं क्वेश्चंस को इधर कर दे रहा हूँ, शायद पीछे भाग गया। अब इस क्वेश्चंस का आंसर सारे विद्यार्थी देंगे, ठीक है, अब इस क्वेश्चंस का आंसर सारे के सारे विद्यार्थी देंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सारे के सारे लोग देंगे, कितना रहा, 32 32 आ रहा है। देखो भाई ये लोग 32 बता रहे हैं, आप लोग भी जल्दी से बताइए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, सीखिएगा सब लोग, यहां पर सीखिएगा सब लोग। कहता है तीन संख्याओं का माध्य कितना है, 21 है, तो जाहिर सी बात है संख्या तीन और माध्य 21, तो सम कितना हो गया, 21 × 63। यदि इन आंकड़ों के समुच्चय का परास 19 है, परास का मतलब क्या होता है, रेंज, परास का मतलब क्या होता है, रेंज। अब आप बताओ यार संख्या कितने हैं, तीन, संख्या कितने हैं तीन और रेंज कितना है 19, तो जानते हो कैसे सोचेंगे, सबसे छोटी संख्या को मैंने मान लिया एक्स और बीच वाली संख्या को खाली जगह छोड़ दिए और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा एक्स प्लस 19। कुछ लोग सोचेंगे सर ये कैसे हो गया, तो क्वेश्चन में क्या दिया कि संख्या तो तीन ही है और परास का मतलब हम क्या जानते हैं, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो परास 19 का मतलब यह है कि अगर छोटी संख्या एक्स है सर तो सबसे बड़ी संख्या तीसरी संख्या 19 ज्यादा होगा, है ना, एक्स है तो एक्स प्लस 19 होगा। आप चाहे तो इसका डिफरेंस करके देख सकते हैं कितना आएगा, 19 आएगा आपका, लेकिन परास के हेल्प से हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी लिख चुके हैं लेकिन बीच वाली संख्या हम नहीं लिख पाए हैं। आगे पढ़ते हैं, कुछ संकेत देगा, कहता है जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 5 है, दो सबसे छोटी संख्या, तो आप बताओ यार दो सबसे छोटी संख्या कौन कौन, वो तो सबसे बड़ा हो गया तो दो को सबसे छोटी संख्या यही ना होगा, पहला दूसरा, और इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 5 है, तो अगर ये सबसे छोटी x है और अंतर 5 है इसका मतलब जरूर ये कितना होगा, x प्लस 5 होगा। सोचिए 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 सोचिए, सबसे छोटी दो संख्या यही दोनों होगा और इसके बीच का अंतर 5 है, अंतर 5 का मतलब 1 5 बड़ा होगा तो एक क्या होगा, छोटा आपका होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या को यदि आप x कह रहे हैं तो जाहिर सी बात सेकंड वाला 5 ज्यादा होगा, x प्लस 5, तो ऐसे सोच के ये तीनों संख्या x x x सिंगल वेरिएबल में लिख लेना है।
अब यहां पर हम क्या करेंगे सर, तो तीनों संख्याओं का माध्य 21 था तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा 63। माध्य को अगर आप संख्या से गुणा कर दीजिएगा 21 + 63 योगफल हो जाएगा तीनों संख्याओं का। अब जोड़िए, तीनों को जोड़िए तो x x x कितना 3x प्लस और 19 और 5 कितना हो गया 24 हो गया। अब देखो यार 24 को ले जा करके जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 39 3x बराबर, तो x का मान कितना हो गया 13, x की वैल्यू कितना हो गया 13 आपका हो गया। आपसे बोलता है तीन अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या ही है ना, और x का मान 13 निकल चुका है तो 13 और 19 को हम जोड़ देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर 32, 32 इज द राइट आंसर, 32 इज द राइट आंसर। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बिल्कुल सही बात है यार, आप लोग शायर बन गए हो शायद, नहीं मैथमेटिक्स के साथ साथ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर उम्मीद है 4 आप सारे विद्यार्थी को समझ में आया होगा और मैक्सिमम लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं यहां पर। चलिए अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है, सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सब लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग आंसर करेंगे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे सब लोग जल्दी से। रवि कुमार जी बोल रहे सर पैसा पे करने के लिए फोन पे का ऑप्शन नहीं है, फोन पे का ऑप्शन है ना, फोन पे का ऑप्शन है, UPI एक ऑप्शन आपको दिखेगा, आप उसमें जाइएगा तो फोन पे गूगल पे पता नहीं क्या क्या हर चीज वहां पर है, टोटल ऑप्शन है हाँ, और ज्यादा डिटेल में आप सीधे कॉन्टेक्ट करके मोबाइल से बात कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, ये सारा का सारा यहां पर परास के अंतर्गत प्रश्न आता है और ये मैं देखा हूं कि ये टाइप के प्रश्न में मैक्सिमम लोग को परेशानी हुआ था, जो लोग एग्जाम देने गए थे या जो लोग अभी सेट उठा के बनाते हैं उनको भी इस टाइप में प्रॉब्लम होती है। तो मेरी ये प्रयास है कि इस क्लास में इस टाइप के सारे समस्या का मैं निदान कर दूं, और आज के बाद जब आप रेलवे वाले विद्यार्थी आप सेट बनाएंगे और ये लैंग्वेज वाला जो प्रश्न आएगा तो उसको आप आसानी से खत्म कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरी प्रयास है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैं डील कर दे रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिए यहां पर। कहता है तीन संख्याओं का माध्यमान, माध्य क्या है, माध्यमान मतलब माध्य का मान 38 है, ठीक बात बताओ यार 38 और गुणा 3 कर देंगे तो उसका सम निकल जाएगा, और डेटा का परास जो है कितना है 31 है, परास क्या है आपका 31 है, परास 31 है, तो सुनो सबसे छोटी संख्या को अगर हम x मान लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा x प्लस 31। देखिए भाई ये वाले बात ध्यान रखिएगा, परास अगर 31 दिया है तो सबसे छोटी संख्या अगर x होगा तो सबसे बड़ी संख्या 31 ज्यादा होगा, परास का मतलब क्या होता है मैक्सिमम और माइनस मिनिमम। अब दूसरी संख्या हम नहीं लिखे हैं, इसको भी लिखेंगे लेकिन आगे का बात आप पढ़िए। कहता है बीच वाली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग से, अन्य दो संख्याओं के योग से, तो एक बात बताओ यार बीच वाली संख्या के बारे में क्या कह रहा है कि अन्य दो संख्याओं के योग से, तो अन्य दो में कौन कौन आ जाएगा, तीन गो संख्या ही है और बीच वाले के बारे में क्या करेगी अन्य दो के योगफल से, तो अन्य दो में कौन कौन आएगा सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो जल्दी से ये दोनों को जोड़ के बताओ, योग का मतलब क्या होता है जोड़ जोड़ जोड़, जल्दी से जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा 2x प्लस 31 हो जाएगा, और योग से 20 कम है तो इसमें से 20 आप माइनस करिए तो 31 में से 20 घट जाएगा 11, इसका मतलब ये कितना है 2x प्लस 11 है, क्लियर है बात। देख लीजिए क्वेश्चन बोल रहा है कि बीच वाला क्या है, तो अन्य दो संख्याओं को जोड़िए
जोड़ दिए और उसमें से 20 कम है तो घटा दिए, कितना बचा 2x, और 31 में से 20 घटा 11, ये दूसरी संख्या है। अब देखो यार, अब देखिए सारे के सारे लोग, तीनों संख्याओं का माध्य कितना था 38, तो 38 को आप 3 से क्या करिए, गुणा करिए तो 114 आता है क्या, 38 को 3 से गुणा कर दीजिए तो 114, ये हो गया तीनों संख्याओं का योगफल। जल्दी जोड़िए तो कितना हो गया आपका 4x, और प्लस 31 और 11 कितना 42, 31 और 11 कितना 42। अब सुनो यार, ये 42 जाके घटेगा तो हो जाएगा 72, और इधर कितना 4x, और x की वैल्यू कितना 18, x की वैल्यू 18 हो गया। अब x का मान जैसे ही निकलेगा आप सब कुछ निकाल सकते हो, इसका एकदम हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता कर सकते हो। क्या बोलते हैं, इन तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है ना, x का मान 18 बैठा देंगे और 18 और 31 को जोड़ देंगे तो 8 1 9 3 1 4 49 इज द राइट आंसर। है कोई ऑप्शन बी नंबर, खत्म सवाल। देखो यार, यहां पर आप फोकस करिए कि मैं सोच कैसे रहा हूं। अनिरुद्ध पटेल जी बोल रहे हैं 5 का 49 रुपया। देखो यार, रुपया नहीं है, 49 एक संख्या है, वो होगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, आप सारे के सारे बंदे यहां पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सारे के सारे लोग यहां पर ध्यान देंगे। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर सारे के सारे लोग, और आंसर बताना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी से बताना है, मैं चाहता हूं इस बार सारे के सारे विद्यार्थी आंसर बताएंगे। मंजीत मिश्रा जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, अभी आपको गुड इवनिंग पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम पहुंच चुके हैं, है ना। सूरज कुमार जी, एस्थेटिक्स पूरा पढ़ाइए सर। देखो यार, मन से पहले ये सारा कचरा को आप दूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें जो बेहतर लग रहा है, जैसे ये लग रहा है कि इस प्रश्न में बंदा फंसता है, तो मैं इस चीज को यहां पर करा रखा हूं, ठीक है। चलिए आप बस जम करके पढ़ाई करिए, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो सारा का सारा एग्जाम के लिए रामबाण है, है ना। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं उसी को मैं YouTube पर बता रहा हूं। हम ये चाहते हैं कि कम समय में आपको बहुत ज्यादा कंटेंट दे दे, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वाला, जहां से क्वेश्चन आता है। राहुल भारती जी कहते हैं, दुनिया बस अब हार मान जा, उम्मीद पुकारती है बस एक बार और सही। हाँ, दुनिया कहती है बस हार मान जा, लेकिन उम्मीद पुकारती है एक बार और ट्राई करो। एकदम परफेक्ट बात है यार। चलिए तो आंसर बता रहे हैं मैक्सिमम विद्यार्थी यहां पर आंसर बता रहे हैं। यहां पर मैं भी चेक कर ले रहा हूं, कहता है कि 4 संख्याओं का एक समुच्चय है। समुच्चय का मतलब समझते हो यार, एक ग्रुप समझ जाओ, ऐसे सेट, सेट उप समुच्चय सबसेट होता है। तो 4 संख्याओं के ग्रुप है, कहता है इनमें से 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य कितना है, 19 है। अब देखो यार, कहीं कुछ परास तो नहीं बोल रहा, सीधे बोल रहा है इन समुच्चय का परास कितना है। देखो यहां पर सीधे मान लो W X Y Z, ये 4 संख्या है, और ये चारों संख्या जो है वो आपका आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा उससे बड़ा, ठीक है। अब आपसे आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है परास कितना होगा। तो परास का मतलब होता है, परास का मतलब होता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा यहां पर कौन है यार, जेड है, और सबसे छोटा कौन है, डब्लू है। यानी आपसे पूछ रहा है परास का मतलब जेड माइनस डब्लू इज इक्वल टू व्हाट। परास का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा
माइनस सबसे छोटा, तो जेड माइनस डब्ल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब कहिएगा सर डाटा क्या दिया है, तो इनमें से तीन सबसे छोटी संख्याओं का माध्य कितना है, 19। तीन सबसे छोटी संख्या, तो आप सबसे पहले पहचानिए कि इसमें तीन सबसे छोटी संख्या है कौन, कौन है भाई तीन सबसे छोटी संख्या कौन है, तो W है, X है, Y है। देखो यार W है, X है और Y है, और इसका माध्य जो है दे रखा है 19, तो तीन से गुणा कर देंगे तो योगफल हो जाएगा सर 57। ये हो गया 57 योगफल शुरू के तीन संख्याओं का। फिर कहता है कि और तीन सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा तीन गो इसका मतलब हो गया पीछे से तीन गो, सबसे बड़ा तीन का मतलब ये 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 तीनों, और इसका माध्य 23 है, तो अगर हम 23 में तीन से गुणा कर देंगे तो 69 हो जाएगा ये तीनों का योगफल। तो जोड़ दो यार x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 69 हो गया, क्लियर है बात, 69 हो गया। अब यहां पर हमसे पूछ रहा है जेड माइनस डब्ल्यू, तो यहां पर आप क्या करेंगे समीकरण को घटा देंगे। तो देखो भाई x में से x घटेगा, पहला समीकरण में से दूसरे को घटा रहे हैं तो घटेगा तो कट जाएगा, फिर y में से y घटेगा तो भी कट जाएगा, और 69 में से 57 घटेगा तो 9 में से 60 घट गया, 2 और 6 में से 5 घटा 1, 12 हो गया। और यहां देखिए z में से w घटेगा तो हो जाएगा z माइनस डब्ल्यू, और यही तो z माइनस डब्ल्यू हमसे पूछ रहा था, मतलब परास बराबर कितना 12। कुछ नहीं किए, सबसे तीन जो बड़ी संख्या था उसका योगफल 69, और सबसे छोटी तीन संख्या था उसका योगफल 57, बस उसमें से इसको घटा दिए तो एक्स वाई इसमें भी है और एक्स वाई इसमें भी है, कॉमन टर्म कट गया, जेड माइनस डब्ल्यू हो गया, और 69 में 57 घटाए 12, ठीक है। मतलब सिंपली यहां पर क्या किया गया, सिंपली यहां पर क्या किया गया, तो कुछ नहीं, सबसे बड़ा का माध्य 23 था तो यहां पर कर दिया गया 23 गुणा 3, और सबसे छोटा का माध्य कितना था 19, मतलब 3 गुणा 19, और सीधे 69 में से 57 घट गया, ये रेंज बचेगा, और रेंज क्या कहलाएगा आपका 12 कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन पर दिख रहा है, एक बार जल्दी से सारे के सारे लोग ट्राई करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, ठीक है, सारे के सारे बंदे यहां पर ट्राई करेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो जल्दी से एक बार आंसर सारे के सारे लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सारे लोग जल्दी से बताएंगे। देखिए मैं चेक कर रहा हूं, कहता है तीन संख्याओं का माध्य कितना है 16 है, फिर इसके बाद कहता है आंकड़ों का परास कितना है 12 है, आंकड़ों का परास कितना है 12 है। अब जैसे ही यहां पर कितनी संख्या बोला, तीन संख्या और परास बोल दिया 12, तो सीधे यहां पर हम पहली संख्या को लिख लेंगे x, और दूसरी संख्या के लिए जगह खाली छोड़ देंगे, और तीसरी संख्या लिख देंगे x प्लस 12, क्लियर है बात, x प्लस 12, तीसरी संख्या लिख देंगे x प्लस 12। क्यों x प्लस 12 लिखेंगे, तो परास का मतलब होता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का डिफरेंस, अंतर, मतलब सबसे छोटी अगर x होगा तो सबसे बड़ी x प्लस 12 होगा, परास का मतलब डिफरेंस होता है। चलिए इतना लिख लिया। अब कहता है कि सबसे बड़ी संख्या और बीच की संख्या के बीच का अंतर, देखो यार बीच की संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, तो बीच की संख्या तो यहां पर है,
बीच की संख्या तो यहां पर है। अब क्या बोल रहा है कि ये बीच की संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का डिफरेंस 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 अंतर कॉमा दे दीजिए, बीच की संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का तीन गुना है। ठीक है, कितना गुना है? तीन गुना। अब बताओ यार, सबसे छोटी संख्या और बीच की संख्या के बीच का अंतर का तिगुना है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, कह रहे सबसे बड़ी संख्या, आप देखिएगा मैं सोच कैसे रहा हूं, सबसे बड़ी संख्या और बीच की संख्या के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या और बीच की संख्या के बीच का अंतर अंतर कॉमा दे दीजिए यहां पर कॉमा, बीच की संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर अंतर का तीन गुना है। ये वाला अंतर ये वाले अंतर से तिगुना है, तो आप बताओ अगर इसका अंतर अगर एक अनुपात में होगा तो इसका अंतर तीन अनुपात में होगा। समझना है बात को, इसका इसका वो अंतर तीन गुना है, यहां का डिफरेंस तीन गुना है, मतलब अगर ये डिफरेंस का रेशियो वन होगा तो यहां पर डिफरेंस का रेशियो तीन होगा। क्लियर है बात? अब जल्दी से एक बार बेधड़क एकदम बता देना है, आप बताओ यार, आप बताओ सारे के सारे बंदे, यहां का अंतर का अनुपात एक और यहां क्या अंतर का अनुपात तीन, तो पूरे अंतर का अनुपात कितना? चार। अरे एक और तीन पूरे चार अनुपात में, यहां से यहां तक अंतर का अनुपात चार, अनुपात चार, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? बारह है। इसका मतलब एक अनुपात बराबर कितना हो गया? तीन के। एक अनुपात बराबर हो गया तीन के, एक अनुपात बराबर तीन हो गया, इसका मतलब यहां पर जानते हैं कितना होगा? यहां पर जानते हैं कितना होगा? x प्लस तीन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए x है छोटी संख्या और ये दूसरी संख्या के बीच का अंतर एक अनुपात में है, और एक अनुपात किसके बराबर है? तीन के बराबर है, अभी निकला है। इसका मतलब अगर यहां पर x होगा तो ये तीन ज्यादा x प्लस तीन होगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं एक रेशियो बराबर तीन, तो तीन रेशियो बराबर कितना? नौ, नौ, और यहां का अंतर 9 है, तो आप x प्लस 12 में से 9 घटाइए तो x प्लस 3 मिल जाएगा, इधर से घटाइए तो भी मिलेगा, इधर जोड़िए। अब मेरा तीन संख्या मिल चुका है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 3, तीसरी संख्या x प्लस 12। अब तीनों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे, जल्दी से जोड़िए, तो कितना होगा? 3x, और 12 और 3 कितना? 15। और देखिए तीनों का माध दिया था 16, तो 16 गुणा 3 योगफल कितना हो गया? 48। 15 जाके 48 में से घटिए तो कितना हो गया? 33। 33 होगा ना जी, 3 से कट जाएगा 11 बार, यानी x की वैल्यू कितना हो गया? 11। x की वैल्यू 11 हो गया, तो बोलता है तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कितना है? सबसे बड़ी संख्या कितना है? तो x का मान जब 11 हो गया, बोलता है सबसे बड़ी बताओ, तो 11 प्लस 12 23, 23 इज द राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन। देखिए देखिए यहां पर आपको सोचना है कि इस प्रश्न के लिए क्या कर सकते हैं, बेहतरीन सोच हो सकता है। तो यहां पर मैंने धड़ से रेशियो का कंसेप्ट लगा दिया, मैंने देखा कि यहां का अंतर उसके अंतर से तीन गुना है, मतलब मैंने मान लिया यहां का अंतर अगर एक रेशियो में होगा तो यहां का अंतर तीन रेशियो में होगा। क्लियर है बात? पूरा अंतर हो गया चार रेशियो में, और एक से एक्स प्लस 12 है तो बराबर 12, तो एक रेशियो का मान तीन। अब तीन इसमें जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या निकल गया, तीनों को जोड़ दिए बराबर 16 48, एक्स का मान निकल गया। बड़ी संख्या पूछेगा तो एक्स का मान यहां, बीच वाला पूछेगा तो एक्स का मान यहां, और छोटी संख्या पूछेगा तो एक्स का मान यहां। चलिए, तो उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी जो हैं, हाँ राहुल भारती जी बोल रहे रेशियो लेने से इजी हो गया, एकदम परफेक्ट बात है, रेशियो लेने से चीजें आसान हो गया। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, एक और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है भाई, सारे के सारे लोग एक बार जल्दी से ट्राई करिए इस पर, वन मिनट, हाँ सारे के सारे लोग एक बार ट्राई करेंगे, जल्दी से एक बार सारे के सारे बंदे ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर एट, देखिए थोड़ा पानी, क्वेश्चन नंबर 8, देखो यार आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, आप एक बार सारे के सारे बंदे क्लासेज को लाइक कर देंगे, एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
चलिए आप लोग आंसर दे रहे हैं कुछ, कितना दे रहे भाई, 8 का 20 दे रहे हैं, 20 मैक्सिमम विद्यार्थी यहां पर 20 बता रहे हैं, मैं भी चेक कर ले रहा हूं। चलिए देखिएगा, धीरज जी मिशन 100 का पैकेज दीजिए सर। ठीक है, प्रयास करते हैं, अभी तो मैथमेटिक्स टेस्ट का पैकेज है, आप सारे लोग ज्वाइन करिए, बहुत फायदा उसमें आपको होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं, करे तीन संख्याओं का माध्य कितना 15 और आंकड़ों का रेंज 9 था। रेंज जैसे ही बोल दिया, 9 और 3 संख्या है, तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या के लिए मैंने खाली जगह छोड़ दी और तीसरी संख्या लिख दिया, रेंज 9 है ना, तो 9 बढ़ा के लिख दिया। पहली संख्या x तो तीसरी संख्या x प्लस 9, रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का डिफरेंस। ठीक है, फिर कहता है कि सबसे बड़ी संख्या और माध्य संख्या के बीच का अंतर, लोअर, सबसे बड़ी संख्या और माध्य संख्या, मध्य 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 का मतलब बीच वाला, के बीच का अंतर, अंतर अंतर कॉमा हो जाएगा, मध्य संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का दुगुना था, मतलब यहां के अंतर का दुगुना था। तो आप बता दो यार, अगर यहां का अंतर 1:1 में था तो यहां का अंतर 2:1 में था, तो आप जल्दी से बता दो, यहां का अंतर का अनुपात 2, यहां के अंतर का अनुपात 1, पूरा अंतर का अनुपात कितना 3, और एक्चुअल में ये दोनों संख्या में कितने का अंतर है 9 का। तो 3:9 अगर 9 के बराबर है तो 1:3, 1:3, 1:3, इसका मतलब x से 1:1 ज्यादा होगा, तो यहां लिख देंगे x प्लस 3। क्लियर है बात, पिछले प्रश्न का कॉन्सेप्ट एकदम सेम से मिल रहा है। अब तीनों को जल्दी से जोड़िए तो कितना हो जाएगा सर, 3x प्लस 12 हो जाएगा, x 3x 9 3 12, 3x प्लस 12 तीनों का सम हो जाएगा, और यहां पर देखिए सम कितना होगा, 15 3 45, माध्य और गुणा संख्या कर देते हैं तो योगफल बन जाता है। अब देखो यार, 12 जाके 45 में से घट जाएगा 33 बराबर 3x, तो x का मान कितना 11, x का मान 11, हमसे बोलता है सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या यही तो है x प्लस 9, तो x का मान 11 प्लस 9 इज द राइट आंसर, 11 प्लस 9 कितना आता है 20, 20 इज द राइट आंसर। उम्मीद है सारे लोग समझे होंगे, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सब लोग बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सब लोग जल्दी से बताएंगे। शिवम राज जी बोल रहे हैं, मनीष वोल्टेज बहुत लो है। अच्छा, सारा बात यार यहीं पे कर लो। अमन कुमार जी बोल रहे हैं, टाइम क्या है आपका, देखिए क्लासेस से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर बात कर लीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि समय आपका बर्बाद होगा और वो समय को यहाँ पर पढ़ाएंगे तो सबके लिए फायदा होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, एडवांस मैथ कितना दिन चलता है सर जी, नवीन कुमार ज्ञानी भाई। नवीन जी, एडवांस मैथ का नया बैच हम ला रहे हैं और उसका ड्यूरेशन आपका 3 महीने के आसपास में होगा। ठीक है, डेली क्लासेज आपका 1.5 घंटे का होगा और बिल्कुल एकदम एडवांस का हीरो बना दूंगा। ठीक है, एडवांस का पूरा प्रश्न आपसे बनेगा। अच्छा, सीओम राज जी बोल रहे हैं, सर मनीष मेरे ही विलेज का है, वो भी लाइव देख, अच्छी बात है यार। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चंस को हम समझते हैं, सारे के सारे लोग यहां पर ध्यान दीजिए, अगर किसी से प्रश्न नहीं बना है तो चार संख्याएं कौन कौन, डब्ल्यू एक्स वाई जेड इस पर खुद लिख दिया है, को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा डब्ल्यू, सबसे बड़ा एक्स, सॉरी इससे बड़ा एक्स, उससे बड़ा वाई और सबसे बड़ा जेड। फिर कहता है सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत 22 है, जबकि सबसे बड़ी तीन संख्याओं का औसत 28 है। तो इस टाइप के प्रश्न में मैंने आपको सिखाया है सबसे बड़ी तीन संख्याओं का औसत कितना 28, तो 28 गुणा कर दीजिए 3 माइनस, और सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत कितना 22
तीन संख्याओं का औसत कितना और गुणा कर देंगे तीन और घटा देंगे, यही तो आपका क्या कहलाएगा, परास कहलाएगा। शायद आप भूल गए क्या, शायद आप भूल गए, अभी मैंने पीछे डायरेक्ट ये इस तरह के प्रश्न में बताया था। अगर आप कहें तो मैं यहां पर दिखा दूं, आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। हाँ आ जाइए, यही 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 चीज है आपका, दिख रहा है ना, चार संख्याएं हैं यहां पर, कहने मैंने क्या माना डब्ल्यू एक्स वाई जेड और वहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा है। तीन सबसे छोटी संख्याओं का मान 19 है, तीन सबसे बड़ी संख्या का मान 23 है। तो देखिए 23 गुना 3 में से 19 गुना 3 घटा दिए थे, आपके क्वेश्चन का आंसर 22 आ गया था। यही कंसेप्ट जो है उस प्रश्न में आपको लगाना है, ठीक है। तो चलिए कितना हो जाएगा भाई, 84 और 22 दिए कितना 66, अब 14 में से 6 घट जाएगा 8 और 1 18, सही बात है, 18 इज द राइट आंसर, 18 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, ये सब सही जैसे क्यों हो गया, हम तो सही सेट किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, देखिए भाई अब कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 10 एक बार सारे के सारे लोग ट्राई करिए, तो मैं देखना चाहता हूं कितने विद्यार्थी से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आता है, क्योंकि यहां पर बाबू क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको माथा लगाना होगा। क्वेश्चन लॉजिकल है और हमें लगता है या फिर एग्जाम लोग दे के आते हैं तो लोग से हम बातचीत करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे बातचीत हुआ था तो इस क्वेश्चंस के बारे में लगभग विद्यार्थी जो कहे थे हमसे, सर क्वेश्चन ये नहीं एग्जाम हॉल में बन पाया, मैंने इस प्रश्न को समझ नहीं पाया। तो एक बार हम चाहते हैं कि आप सारे लोग जल्दी से एक बार बताइए, तो क्या आपका माथा लग रहा है इस प्रश्न में, जल्दी से बताएंगे सब लोग। चलिए और आप सारे विद्यार्थी जो है आप बनाइए प्रश्न को, टेस्ट का एडमिशन चल रहा है और आप सारे लोग जो हैं आपके सर्किल में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको बताइए, ठीक है। जो लोग मैथमेटिक्स का डेली अभ्यास करना चाह रहे हैं, कम से कम एक पढ़ने का बहाना तो मिल जाएगा, एक बहाना रहेगा डेली शाम 7 बजे से लेकर के लगभग आप 8:15 तक 8:30 तक एकदम कह सकते हैं बिजी रहेंगे, और उसी बहाने आपका मैथमेटिक्स भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो आप टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिए और लोगों को ज्वाइन करवाइए, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से कुछ इनकम का सोर्स बन जाएगा, है कि नहीं, और बाकी यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम दे ही रहे हैं। चलिए आंसर कितना बता रहे, कोई तो यार आंसर बताओ जल्दी से। मैंने क्या बोला, ये इसमें लॉजिक आपको लगाना है, ये बहुत आसान कह सकते हैं, सोचिए कि बहुत आसानी से तो नहीं होने वाला है, और कह सकते हैं एकदम मिजाज गदगद हो जाएगा इस प्रश्न को समझ करके, आपको हमको पता है एकदम मन जो है सो गार्डन गार्डन हो जाएगा। अभिषेक जी बोल रहे हैं एडवांस का फी क्या है सर, अभी बाबू एडवांस मैथ के बारे में हम एक दो दिन बाद बात करेंगे, ठीक है, लेकिन बैच शिक्षक दिवस के दिन एडवांस का आ रहा है। टेस्ट का फी कितना है चंदन सी जी, 100 रुपये है भाई पहला पैकेज का, और ये 31 तारीख से स्टार्ट हो रहा है मंडे से। हाँ अभी आंसर आने लगा, आंसर आने लगा, 96, 95, 98, लेकिन मैं मैक्सिमम विद्यार्थी का आंसर यहां पर देख रहा हूं 98, मैक्सिमम विद्यार्थी का आंसर मैं देख रहा हूं 98, और जो लोग यार क्वेश्चन का राइट आंसर इसका दिए हैं, है ना, अब वो तो आगे पता चलेगा, बहुत कह सकते हैं बड़ी बात है। अगर आपका प्रश्न ये सही हो गया है तो समझिए आप रियल में मैथ जानते हैं, ठीक ना, या आप कह सकते हैं आज के क्लास को बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझ रहे हैं। चलिए तो मैं यहां पर सिखाता हूं,
मैं आपको सिखाता हूं, अगर किसी भी तरह की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप उसको ध्यान समझिएगा, आपको बनाने में अगर कहीं समस्या हुआ तो आप सीखिएगा। करें चार अलग अलग प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य 110 है, तो आप बताओ यार यहां पर सारे के सारे लोग बताना, चार अलग अलग प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो एक दो तीन चार पांच ऐसे होता है, लेकिन यहां पर अलग अलग प्राकृत संख्या है, मतलब कहीं का कुछ भी है। तो मान लिए चार, वो कौन कौन मान लेंगे, W, X, Y और मान लिए Z मान लिए, ठीक है। और बताओ यार इसका माध्य कितना है, 110 है, तो चार से गुणा कर देंगे तो योगफल हो जाएगा कितना, 440 हो जाएगा, ठीक है, यानी W plus X plus Y plus Z equal to 440। अब सुनिएगा, यदि इन चार संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या 135 है, लीजिए सबसे बड़ी संख्या को यहां पर जेड मानने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी संख्या को जेड मानने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 135 ऑलरेडी दे चुका है, 135 जो है ऑलरेडी दे चुका है, तो क्या दिक्कत है, सबसे बड़ी संख्या ना मानकर यहां पर 135 लिख देंगे। अरे तीनों को संख्या मानेंगे, डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्यों मानेंगे, सबसे बड़ी संख्या तो दिया हुआ है। तो आप एक बार बता दो भाई, W plus X plus Y is equal to कितना, तो घटा देंगे तो 305 हो जाएगा। अब देख लो यार ये तीन संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 105 हो गया। अब हमसे क्या बोलता है, 305 इन चार संख्याओं के समुच्चय, समुच्चय का मतलब हो गया ग्रुप के परास, क्या परास, परास रेंज का मैक्सिमम संभावित मान क्या होगा, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज, रेंज का, रेंज का मैक्सिमम मान आपसे पूछ रहा है, परास का अधिकतम मान पूछ रहा है। आप बताओ यार परास कैसे निकलता है, परास कैसे निकलता है, तो 135 जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या W को घटाएंगे, तो बोलिए रेंज बराबर क्या होगा, 135 और माइनस W, 135 माइनस W। अब देखो यार माथा यहां पर लगाना था, माथा यहां पर लगाना है, सब लोग सुनिएगा, आपको रेंज चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, और रेंज के लिए कंसेप्ट क्या है कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा दो, घटा दिया, लेकिन आपको रेंज में भी सबसे ज्यादा वैल्यू चाहिए, रेंज भी चाहिए मतलब इसका अंतर चाहिए लेकिन बड़ा से बड़ा। तो सोचिए 135 में से जितने कम घटेगा उतने अंतर क्या आएगा, बड़ा। अरे बात समझ रहे हैं, आपको अंतर क्या चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या चाहिए, मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिफरेंस कब बनेगा, यही यही सोचना है, माथा लगाना है कि 135 में से जितने कम घटेगा ना उतने मान क्या आएगा, ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि आपको W को क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब अगर रेंज का मैक्सिमम मान निकालना है तो W का मिनिमम भी चीज याद रखनी है, अगर अधिकतम मान निकालना हो तो कोई निश्चित संख्या में से जितने कम घटाइएगा उतने मान ज्यादा आएगा, और अगर मिनिमम रहता ना तो जितने ज्यादा घटाते उतने मान कम आता। तो हमको W को क्या लिखना है, मिनिमम, सुनिए हमको W क्या लिखना है, मिनिमम। W का हमको जितना कम से कम हो सकता है ना उतना कम से कम मान हमको यहां पर लिखना है, और W का कम से कम मान जब लिखने में हम सफल हो जाएंगे बस उसी मान को वहां पर सेट कर देंगे, रेंज का अधिकतम संभावित मान निकल जाएगा। अब यहां फिर से माथा लगाना है, फिर से माथा लगाइए, W, X, Y तीनों को जोड़ने पर कितना रहा, 305, लेकिन आपको क्या चाहिए साहब, W चाहिए कम से कम, तो E दोनों जानते हैं क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि तीनों का योगफल 105 है, और जितने ही दोनों ज्यादा रहेगा उतने E क्या रहेगा, कम, समझ रहे बात, सबको जोड़ने पर तो 305 पूरा होना चाहिए, तो जितना ये ज्यादा से ज्यादा रहेगा ना, जितना ये बड़ा से बड़ा रहेगा उतने ही क्या रहेगा, छोटा छोटा। तो सोचिए सोचिए सोचिए, ये चार अलग अलग क्या है, प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या है,
और यहां पर सबसे बड़ी संख्या 135 है, सबसे बड़ी संख्या 135 है, ये क्या 135 से ज्यादा होगा? आपको तो ये दोनों को ज्यादा से ज्यादा लिखना है, x और y को मैक्सिमम लिखना है, तो क्या 135 से आप मैक्सिमम इसको लिख सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 135 है, आपको ये सबको 135 से कम ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, नहीं तो फिर यहां फ्लॉप कर जाएगा। बड़ी संख्या 135 है और 135 से इसको ज्यादा लिख दीजिएगा तो फ्लॉप कर जाएगा, तो यहां पर आपको लिखना होगा सर 134 और यहां पर लिखना होगा 133। कुछ लोग के मन में चल रहा है सर इसको मिनिमम चाहिए मतलब ये मैक्सिमम चाहिए, तो क्यों ना इसको 134 जब लिए उससे तो छोटा हो गया तो इसको भी 134 ले लीजिए। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्राकृत संख्या क्या है? अलग अलग है, अलग अलग है मतलब सेम नहीं लेना है, डिफरेंट लेना है, तो 133 ही यहां पर लेना होगा। अब बोलिए 133 और 134 जोड़ के उधर 305 में घटा दिए तो निकल जाएगा, तो 305 में से 133 और 34 कितना हो जाएगा? 267 जाके घटेगा, माइनस करिए 267 कितना है भाई? 15 में से 7 घटेगा 8 है, और ये कितना हो गया जी? 9 में से 6 घटेगा 3, 38 आ रहा है ना, तो यही हो गया आपका W का मिनिमम वैल्यू, कितना हो गया? 38। अब यहां पे सेट कर दीजिए तो 135 में से 38 घटा देंगे तो आंसर कितना? 97 हुआ। एक बार चेक कर लीजिए आप, 4 3 7 7, 15 में 7 घटेगा 8 और 9 में से 6 घटेगा 3, 38 आ गया। W का मान हो गया 38, सबसे कम मान कितना आ गया आपका? 38 आ गया। अब यहां बैठाइए तो 135 में से जब 38 घटेगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 97, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। देखिए भाई, हाँ राहुल भारती जी, कैलकुलेशन का कमाल। चलिए, तो मैक्सिमम विद्यार्थी यहां पर आंसर जो है 98 दे रखे थे, लेकिन 98 जो है गलत आंसर है। कुछ ही लोग जो है 97 दिए थे, मैं पीछे बैक करके कमेंट को देख रहा हूं, कुछ ही लोग 97 किए थे, सतीश कुमार, सचिन वर्मा, जिनका 97 मैं नाम ले रहा हूं, सतीश कुमार का आया था, सचिन वर्मा का आया था पहले, सुधांशु जी का पहले आया था, बस यही शायद 3-4 विद्यार्थी हैं जिनको सही जवाब सही आंसर आया था, बाकी मैक्सिमम विद्यार्थी 98 मार के गलत किए थे। तो कोई बात नहीं यार, यहां पर आपके सामने अभी जो है अपॉर्चुनिटी है सीखने का, अपने आप को इंप्रूव करने का, लेकिन यही अगर एग्जाम हॉल में गलती होगा तो फिर दोबारा आपको मौका बहुत समय बाद आपको मिलेगा, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी को आज का सेशन बहुत ही कह सकते हैं तगड़ा लगा होगा। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ की जैसे बात है तो पीडीएफ आपको तुरंत हम थोड़ी देर बाद डलवा देंगे, और कल संडे क्या स्पेशल क्लास में क्या होगी इसका नोटिफिकेशन आपको पहले क्लास से मिल जाएगा, ठीक है? धन्यवाद।